नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र नजीबाबाद से। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों के लिए आखिरकार जनता की आवाज रंग ले आई। पिछले 15 दिनों से बंद पड़ी गोयल गैस एजेंसी का संचालन प्रशासन की हरी झंडी के बाद शुरू हुआ। दरअसल बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट को देखते हुए कोविड अस्पताल तो बना दिया गया था, लेकिन अस्पताल की घोषणा होते ही ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया था। आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसको लेकर मरीज उत्तराखंड से ऑक्सीजन मंगवाने को मजबूर थे। कोविड अस्पताल के लिए भी ऑक्सीजन हल्द्वार से मंगवाई जा रही थी, जिससे ऑक्सीजन की डिलीवरी में देरी होने से कई मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते देखे गए थे। प्राइवेट अस्पतालों और घरों में इलाज करा रहे मरीजों की तो ऑक्सीजन की किल्लत से मौत हो गई थी। जनप्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मियों द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर प्रशासन ने सुध ली और किसी तरह ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया। मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि ऑक्सीजन के लिए जटिल प्रक्रिया रखी गई है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की एक खास रिपोर्ट। सर, सिंपल सब है जो वो बता के गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर सर एक नोटिफिकेशन दे के गए हैं, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से सिलेंडर लॉट किया जाएगा। एक सेंट्रल कोविड सेंटर बनाया गया है बिजनौर, वहाँ से होम आइसोलेशन के लिए जो लोग हैं वो वहाँ से अप्रूवल लेंगे। वो अप्रूवल यहाँ ग्रांट किया जाएगा और यहाँ से सिलेंडर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आम जनता को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? सर, आम जनता के लिए मेरे पास कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये सिंपल सा है, आपको जिसको भी रिक्वायरमेंट है सिलेंडर की वो वहाँ जाए, मतलब कि या बात करे। ऑनलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से ले लीजिए। अप्रूवल आएगा, वो अप्रूवल यहाँ सेंक्शन हो जाएगा। यहाँ सेंक्शन होकर आईडी देखकर हम सिलेंडर प्रोवाइड करा। सर, मेरे पास 5.5 टन मटेरियल आया है, जिसमें से मैं 400 सिलेंडर। बाद में जो गोयल प्लांट शुरू हुआ है, इसको लेकर किस तरह वितरण की प्रणाली किस तरह रहेगी? जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज गोयल गैस एजेंसी को 5.6 टन का ये प्राप्त हुआ है, गैस प्राप्त हुआ है। और यहाँ जो भी समस्याएं थी वो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि ये जरूर ही अब समस्या निस्तारित हो जाएगी। लोगों में बहुत भय भी था, दिक्कतें हो रही थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने आदेश कर दिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये व्यवस्था ये रहेगी कि 9454416928 नंबर है, उस पर जो भी व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वो अपना आधार कार्ड, डॉक्टर की पर्ची और या SOP का स्क्रीनशॉट कि कितना ऑक्सीजन का लेवल है उनका, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे और आधे घंटे के भीतर जो है स्वीकृति मिल जाएगी। और यहाँ से जो नजीबाबाद क्षेत्र के हैं, कीरतपुर के हैं या नगीना के हैं, कोतवाली के हैं, उनको यहीं से मिल जाएगा। उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, पहले जो हल्द्वार जाना पड़ता था अब यहीं पर व्यवस्था हो गई है। ये बड़ा हर्ष का विषय है और हमें विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ये संक्रमण बहुत तेज से फैल रहा है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सभी लोग घरों में ही रहें, बाहर अनावश्यक ना निकलें, इसी में भलाई है। सर, आम जनता के लिए क्या व्यवस्था रहेगी ऑक्सीजन? आम जनता, ये तो मैं कह रहा हूँ, होम आइसोलेशन में यदि कोई है, डॉक्टर जिसको आवश्यकता है, डॉक्टर ने पर्ची लिख दी है, वो इसको कर दें। इसी नंबर पे व्हाट्सएप जो मैंने कहा 94-54-41-69-28। सर, आपकी तरफ से कुछ ड्यूटी लगाई गई है? मेरी तरफ से जो है 2 पुलिस वाले की 24 घंटे की ड्यूटी है। इसी तरह 2 शिफ्टों में मैंने लेखपाल, 2-2 लेखपालों को लगाया है, वहाँ पर रहेंगे, उनकी निगरानी में ही वितरण होगा। जब आदेश पहुँचेगा उसी आदेश को देखकर वो करेंगे। सर, आगे भी कच्चा माल और आने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्बाध गति से होगा। बीच में ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो पाया था किसी कारण से, लेकिन अब ड्रग इंस्पेक्टर श्री आशुतोष मिश्रा भी आ जाए थे, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, अब यहाँ पर कोई बाधा नहीं रहेगी और बराबर ये रहेगा, मिलता रहेगा। तो आप लोगों का प्रयास रहा, सबका ये रहा। सर, आपका भी सराहनीय कार्य है। सर, नहीं नहीं, सब आप लोगों के, मेरा कुछ नहीं है, हम तो बस जनता के लिए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।